अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि क्रिकेट से जुड़ा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट, इसको दिलचस्प या इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो बहुत खुश हैं आजकल, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब बड़ा मजबूत कदम हुआ है और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज की एक टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ उसने मैचेस खेले। उसी दौरान एक ऐसा हमें एक खबर मिली कि पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज की एक टीम है जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट खेलने अप्रैल के महीने में, अप्रैल की इनफैक्ट 23 तारीख को श्रीलंका जा रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में भी इस सतह पर टैलेंट मौजूद है। इस ही हवाले से इस टीम के बारे में, इस टीम के यहां तक के सफर के बारे में और आगे इसने क्या करना है, इस पर आज का स्पोर्ट्स वन मुरतब किया है। और अभी जो मेरे साथ साहब बैठे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में, तीन हिस्सों में हम तीन मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे जो इस टीम से मुंसलिक हैं। वसीम अब्बास मेरे साथ बैठे हैं, विकेट कीपर हैं, इस टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकुन हैं, और एक और चीज, इस टीम के प्रोफेसर भी हैं ये, जैसे पाकिस्तानी टीम में हफीज है जो हर चीज का हिसाब किताब रखता है, ये इस टीम का प्रोफेसर भी है। वसीम अब्बास क्या कर रहे हो? बस सर, बहुत खुश हैं कि हमने ये टूर्नामेंट जीता, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, गो के बहुत इसमें जो टीमें थी वो बहुत अच्छी टीमें थी जिनसे हमारे मैचेस हुए, और हमें ये भी खुशी है कि हम पहले कराची चैंपियन हुए और फिर हमने फाइनल में पंजाब जैसी मजबूत टीम को हमने फाइनल में शिकस्त दी, जिसमें करंटली तीन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे। तो बहुत खुश हैं और अच्छा भी लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी टीम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जा रही है। यूनिवर्सिटी टीम, पहले पंजाब का जो आपने जिक्र किया वो मैं पूछूंगा वो कि वो क्या चीज है। यूनिवर्सिटी टीम्स बनाने का ये आइडिया ये कब है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मैंने सुना कि यूनिवर्सिटी की टीम कोई बाहर जा रही है, किस तरह से बनी है? रीजन वाइज पहले यहाँ कराची से शुरू हो गए या कराची के अंदर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं कराची में, उनको बीट किया होगा शायद, फिर आप पंचिंद लेवल पे गए, फिर आप कंट्री वाइड गए और अब एक एक टीम है, इसका जरा जीरो से मुझे थोड़ा बताइए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इस टूर्नामेंट को सबसे पहले रीजन की सतह पे, मतलब हर रीजन में इन्होंने जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज थी उनके दरमियान इन्होंने ये मैचेस करवाए। तो कराची रीजन में 8 टीमें थी टोटल, और हमने अपने पहले मैच में जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को हराया, और सेकंड मैच में हमने कैंप्स यूनिवर्सिटी को हराया, और थर्ड मैच में हमने जैबिस यूनिवर्सिटी को फाइनल हरा के कराची चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फिर देन हमने क्वालिफाई कर लिया। कराची में एक बड़ी टीम को तो आप मिस कर गए, कराची यूनिवर्सिटी की टीम नहीं थी? ऐसा हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी के अपने कुछ अंदरूनी मामला थे जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, और हो सकता है उन्होंने इस टूर्नामेंट को एज सच वैल्यू नहीं दी हो जो कि उनको देनी चाहिए थी। तो अब ये तो उनके अपने मसाइल हैं होंगे कि किस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो वो भी बहुत अच्छी टीम थी, गो के वो हमसे भी अच्छी टीम होती, लेकिन हमने जो है, हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है माशाल्लाह से कि हम इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे। गो के हमारा फाइनल जो राउंड था वो सिंगल लीग बेस पे था, तो हम उसमें भी अनबीटन रहे। तो फिर हमने क्वालिफाई किया फाइनल राउंड के लिए। कब की बात है, जब आप कराची के चैंपियन हुए, ये कितने अरसे पहले की बात है? ये तकरीबन एक महीने पहले की बात है जब हमारा कराची रीजन का, मार्च के महीने में। जी बिल्कुल, मार्च। ये आइडिया भी ज्यादा पुराना नहीं है? नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है, ये बिल्कुल न्यूली आइडिया। फिर उसके बाद हमने क्वालिफाई किया फाइनल राउंड के लिए। तो जिस तरह कराची रीजन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसी तरह लाहौर रीजन से भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, और इस्लामाबाद रीजन से भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। इस्लामाबाद रीजन की विनर फास्ट यूनिवर्सिटी थी, और लाहौर रीजन की विनर पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी मजबूत टीम थी। तो फिर उससे फाइनल राउंड जो है वो इस्लामाबाद में होना था, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने वहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये टूर्नामेंट कराची शिफ्ट कर दिया। तो इसके जो सारे मैचेस थे वो मुइन खान एकेडमी पे हुए, और क्या कहते हैं, जब ये पूरे पाकिस्तान से तीन रीजन की टीमें इसमें पार्टिसिपेट किया और सिंगल लीग पे ये टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें हमने सबसे पहले मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी मजबूत टीम को, जो कि इसी टूर्नामेंट में, मतलब फाइनल राउंड में, अपने लीग मैच के पहले ही मैच में फास्ट यूनिवर्सिटी के खिलाफ 229 रन उन्होंने किए थे T20 मैच में। तो मीन्स बहुत बड़ा उन्होंने टोटल सेट किया था फास्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, और वो मैच इजीली 84 रन से जीत गए थे।
लेकिन फिर हमारा सेकंड मैच उनसे हुआ तो हमने उनको 148 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया और हमने वो टारगेट 18.5 ओवर में। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन की बात आपने की, टीम कॉम्बिनेशन आप खुद तो विकेट कीपर हैं जी, उसके अलावा आपकी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, बॉलिंग में इनिसार आपका स्पिनर्स पे ज्यादा होता है या फास्ट बॉलर्स पे? बेसिकली आप इस तरह कह लेंगे हमारा इनिसार दोनों के ऊपर ही होता है, क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं माशाल्लाह से अच्छे फास्ट बॉलर हैं और एहरार खान एक मतलब वो बेसिकली उनका ताल्लुक NWFB से है लेकिन वो रहते यहाँ पे, तो वो हमारे एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और एक अरशद खान जो कि बेसिकली उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है लेकिन वो भी यहीं रहते हैं। तो इस तरह तो इसका मतलब आपने टीम यहाँ वहाँ से बनाई है? नहीं नहीं, तो पंजाब वाले फिर टूर्नामेंट में ठीक कह रहे थे ना कि उनको उनके साथ अनफेयर प्ले हुआ कुछ, वो एक ही दिन के अंदर दो तीन मैचेस उन्होंने खेले, फिर वो गलत नहीं बात नहीं। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो हमने भी जिस दिन हमारा फाइनल था तो उसी दिन हमने सेमीफाइनल भी खेला, तो हमने भी एक दिन में दो मैच खेले, ऐसा नहीं था। असल में जो ऑर्गेनाइजर थे उनके पास डेज जो थे वो कम थे, तो उन्होंने टूर्नामेंट को वाइंड अप करना था, तो इसलिए एक एक दिन में हर टीम। अच्छा प्रोफेसर, मुझे आखिरी बात बता दो, क्यों आपको इस तरह ये लफ्ज क्यों आपके लिए कहा जाता है, क्या ऐसा काम करते हो टीम में? क्योंकि आपका मुझे ये पता है कि आप PCB के ऑफिशियल स्कोरर भी हैं। एक्चुअली आप यही कह लेंगे मेरे को एक एडवांटेज हासिल है कि मैं PCB का स्कोरर हूँ, और मुझे जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा, क्योंकि 8 साल हो गए मुझे PCB में स्कोरिंग करते हुए, तो मैं सिंस जब मैं 13 साल का था जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत है। वो ये कह सकते हैं कि आप बाहर बैठ के मैंने इतनी क्रिकेट देखी है, इतने मैचेस में स्कोरिंग की है कि मेरे को एक एक जो बारीकियां जो होती हैं, जो कहते हैं कि वो सारी चीजें आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के सारे फॉर्मूलाज मुझे पता है। तो वो आपको अपनी टीम को ये मदद करते हैं। वसीम से बात खत्म हुई यहाँ पर, लेकिन इस टीम के जो दीगर रुकन हैं उनसे बात मैं करूंगा इस ब्रेक के बाद।